बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वी आर मेकिंग क्वासिडिला स्टाइल टॉर्टिला रैप टुडे। चिकन के साथ तो हम बहुत ज़्यादा, मैंने एक दो दफ़ा बनाए भी हैं, आज भी एक चिकन पैटी का बनाऊंगी, लेकिन बेसिकली आज मैं बना रही हूँ आलू के साथ। तो उसके लिए हमने एक तेज की रखी, उसमें दो ग्लास पानी, तीन मीडियम आलू लेके मैंने उन्हें इस तरह से दरमियान में काट के फिर उसके छोटे 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 पीसीस कर लिए हैं। ये बहुत अच्छे से उबल जाएंगे। इनमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे इनके टेस्ट के लिए, ताकि अंदर तक जो है इनके टेस्ट आ जाए। ओके, दूसरी साइड पे हम एक पैन ले रहे हैं, उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और जब वो अच्छे से गर्म होगा तो हम उसके अंदर डाल देंगे प्याज। ओप्स, ओह माय गॉड, इस चीज़ से आप बचिएगा और थोड़ा हट के डालिएगा। तो हमने इन्हें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन करना है, हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएं और हल्के हल्के ब्राउन हो जाएं। इस जब हल्के हल्के ब्राउन हो जाएं और हल्के हल्के सॉफ्ट हो जाएं, तो इनके अंदर तीन मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। बस ये रेडी हैं, इनको साइड पे कर लें। दूसरी तरफ हमारे आलू मैंने चेक किए हैं, वो उबल चुके हैं, तो हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। आलू को ठंडा होने के लिए साइड पर रख दिया। पैटी मैंने एक तरफ फ्राई कर ली है, क्योंकि एक क्वासिडिला स्टाइल हम बनाएंगे पैटी में और एक नॉनवेज आलू में बना रहे हैं। टू स्टाइल्स होंगे क्वासिडिला के हमारे पास। ओके, दूसरी तरफ हमारे आलू थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो मैंने उन्हें चम्मच के साथ हल्का हल्का मैश कर लिया है। हल्के हल्के गर्म थे तो मैंने चम्मच के साथ कर लिए, आप चाहें तो मैशर भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा मैश करके हल्के हाथों से मैंने उसके अंदर वो जो हमारे पास प्याज और हरी मिर्चें रेडी थी, वो ऑयल समेत, दो चम्मच ऑयल था हमारे पास ऑलमोस्ट, वो उसके अंदर डाल दिया है। उसके ऊपर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स आधी चम्मच, और काली मिर्च आधी चम्मच, नमक डालेंगे थोड़ा सा हम उसके ऊपर, और अगर आप चाहें तो सूखा धनिया और लाल मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो आप डाल दें। चूँकि मैंने हरी मिर्चें और काली मिर्चें डाल दी हैं और चिली फ्लेक्स भी थोड़े से डाले हैं, तो मैं और कुछ भी ऐड नहीं कर रही। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मलीदा नहीं बनाना, जस्ट मिक्स कर दें बस इसे अच्छे से। प्याज और आलू और हरी मिर्चें और मसाले जो है ना, वो इक्वली बीच में ना मिक्स हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मलीदा देखें मैंने नहीं बनाया इसका। अच्छा जी, अब हमारी ये देखें पैटीज़ भी फ्राई होना शुरू हो गई हैं, एक मैंने निकाल ली है। तो टॉर्टिला की तरफ आते हैं, उसके ऊपर सबसे पहले मैंने गार्लिक मायो सॉस लगाई है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी, उसे अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी इसके ऊपर, सॉरी स्प्रेड कर दूँगी इसके ऊपर। देन आप सिंपल, अगर आप चाह रहे हैं इसको ज़्यादा ही वो मायो मायो सी लुक देना चाह रहे हैं, तो आप मायोनीज सिंपल भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, जिससे मैंने अभी थोड़ी सी ऐड कर दी कि अच्छा एक उसका टेस्ट भी आएगा और लुक भी आएगी, ज़रा चीज़ी लुक देगा ना वो, चीज़ी सॉस वाली लुक। ओके, ये अच्छे से स्प्रेड हो गई है जी हमारी सॉस। अब आ जाते हैं हमारा जो आलू वाला थोड़ा सा मिक्सचर था ना, वो हमने इसके हाफ़ पे, हाफ टॉर्टिला पे वो हमने लगाया है, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लेंगे चीज़ को। मोज़रेला चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, आप चाहें तो मोज़रेला करें, चेडर करें, जो भी आपको अच्छी लगती है चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। बस हल्की सी, बहुत ज़्यादा भर के नहीं, हल्की सी, इतनी कि वो बस चिपकना शुरू हो जाए, बस टेस्ट दे आपको। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेट करके इसके ऊपर चीज़ को फैला दिया। अब हम क्वासिडिला को ऊपर से फोल्ड कर देंगे, और चीज़ वाली साइड जो है ना वो हम ऊपर रखेंगे, पहले नीचे से हम थोड़ा सा इसको कुक करेंगे, फिर चीज़ वाली साइड को कुक करके फौरन नीचे उतार देंगे। एक मिनट आपने एक साइड पे और दूसरा मिनट आपने दूसरी साइड पे इसको फ्राई करना है, बस इतना कि हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, ये इसके ऊपर हमने टॉर्टिला डाल दिया। अब देखें, ये मैं एक मिनट हो गया इसको पलटा है, तो बस इतनी लुक देनी है आपने, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। ये रेडी हो गए, ये देखें
ये थोड़ा सा ठंडा हो गया बेसिकली, लेकिन आप यकीन करें वही चीज़ी लुक है, बहुत अच्छी। और क्या खुशबू, वो पिज़्ज़े वाली जो आ रही है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत मज़े का है। मैंने सोचा था कि पैटी वाला ज़्यादा मज़े का होता है बिकॉज मैं मीट लवर में से हूँ, लेकिन यकीन करें जो वेजी स्टाइल का कॉसिटेला था ना, उसने ज़्यादा टेस्ट दिया। वो फ्राई करके जो हमने बीच में प्याज ऐड किए ना, उन्होंने तो आलू का टेस्ट ही चेंज कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।